हेलो डियर लर्नर्स, आज की हमारी वीडियो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के हार्डवेयर इंटरप्ट पे है। देखिए, सबसे पहले मैं इंटरप्ट के बारे में क्लियर कर दूं। इंटरप्ट हार्डवेयर होते हैं और इंटरप्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, और इंटरप्ट जो है वो वेक्टर्ड भी होते हैं और नॉन वेक्टर्ड भी होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के इंटरप्ट लिखिए, सिर्फ इंटरप्ट की बात करते हैं, तो आप कोई से भी इंटरप्ट उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर इंटरप्ट आए और वेक्टर्ड इंटरप्ट आए, तो उसमें हमको हार्डवेयर इंटरप्ट ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के हार्डवेयर इंटरप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरप्ट होता क्या है। अगर हम सामान्य भाषा में इसको समझें, जनरली, तो इंटरप्ट का मतलब ये है कि अगर हम मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, और कोई व्यक्ति आकर के मुझसे ये कहे कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कुछ देर के लिए रोक दीजिए और आप मेरे द्वारा ये बताया हुआ काम कंप्लीट कीजिए, और मेरे द्वारा बताए हुए काम को कंप्लीट करने के बाद आप पुनः अपने काम को कंप्लीट कीजिए, तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। क्लियर? इसी प्रकार हम अगर माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट की बात करें, तो उसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और हम उसके लिए कोई ऐसी कमांड दें और उससे ये कमांड दें कि अपना करेंट जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वहीं रोक दे और हमारा जो छोटा सा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करे। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अपना जो प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट कर रहा था उसको रिज्यूम कर करके उसको कंप्लीट करे। इसको हम कहते हैं इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में। अब ये इंटरप्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं मुझसे कोई कहे कि भाई आप अपना काम रोक दीजिए, ये थोड़ी देर के लिए ये काम कर दीजिए, तो मैं उससे ये भी कह सकता हूँ कि नहीं, पहले मैं अपना काम करूँगा, आपका बाद में करूँगा। या दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि मैं उससे ये कहूँ कि हाँ ठीक है, लाइए, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना बाद में करूँगा। ये डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है ना। अगर मान ली कोई इमरजेंसी काम है तो मुझे डेफिनेटली अपना काम रोकना पड़ेगा, इमरजेंसी वाला करना पड़ेगा। अगर सामान्य काम है तो मैं अपने काम को नहीं रोकूंगा और अपना काम, टास्क जो है अपना कंप्लीट करने के बाद उस टास्क को मैं करूंगा। तो इसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर में होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को हमने कोई कमांड दी, अगर वो कोई करेंटली काम कर रहा है और उसी बीच उसने उसको हमने कोई कमांड दी, तो माइक्रो प्रोसेसर ये देखेगा कि क्या ये इंटरप्ट जो आया है क्या मैं उसको डिसेबल कर सकता हूँ, यानी कि मैं पहले जो काम अपना कर रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लूँ, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इसको टास्क को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, या ये इमरजेंसी टास्क है तो पहले मैं इसको कर दूँ उसके बाद ही अपना काम करूँगा। तो इस प्रकार के जो इंटरप्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मास्केबल और दूसरा होता है नॉन मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कि नहीं हम तो अपना करेंट, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा कि अपना करेंट में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को करेगा, उसके बाद उस इंटरप्ट को लेगा। या जो इंटरप्ट आया है पहले उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अपना करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो मास्केबल और नॉन मास्केबल दो तरह के इंटरप्ट होते हैं। नॉन मास्केबल वो होते हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, और मास्केबल वो होते हैं जिनको डिले या डिसेबल किया जा सकता है। जैसे किसी कंपनी में कोई मान लीजिए आग लग जाए और वहां पर कोई रोबोट हो माइक्रो कंट्रोलर बेस, और वो अपना कोई प्रोग्राम कर रहा हो और उसी समय आग लग जाए, तो उस पर जो इंटरप्ट आएगा तो वो उसको डिसेबल नहीं कर सकता, उसको डिले नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, करेंट में जो काम कर रहा है, करेंट में जो काम कर रहा है उस काम को रोक देगा और जो इंटरप्ट आया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस प्रकार ये इंटरप्ट का कंसेप्ट समझा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में आगे। तो माइक्रोप्रोसेसर के जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, माइक्रोप्रोसेसर 8085 में जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं वो हैं आपके नंबर एक ट्रैप, नंबर दो RST 7.5, नंबर थ्री RST 6.5, नंबर फोर RST 5.5, और उसके बाद INTR। तो देखिए, हमने जो अभी नॉन मास्केबल इंटरप्ट बताया था वो सिर्फ ट्रैप है। ट्रैप इकलौता इंटरप्ट है जिस जो नॉन मास्केबल है, यानी कि अगर ये इंटरप्ट आता है माइक्रोप्रोसेसर पे तो इसको माइक्रोप्रोसेसर इसको डिसेबल या डिले नहीं कर सकता, इस पहले इसको ही लेगा वो एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 तथा INTR मास केबल हैं, मास केबल इंटरप्ट है। यानी इसका मतलब ये कि अगर इन इन इंटरप्ट में से कोई भी इंटरप्ट अगर आता है तो माइक्रोप्रोसेसर इनको डिसेबल कर सकता है, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रैप आता है, ट्रैप क्या है, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो है जिनको डिले या डिसेबल नहीं कर सकते। यानी कि अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई भी करेंटली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके लिए कोई कमांड दी जाती है इंटरप्ट की, तो वो पहले अपना जो प्रोग्राम कर रहा होगा उसको वहीं रोक देगा और ट्रैप को पहले लेगा, ट्रैप को एग्जीक्यूट करेगा, इसे डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो ट्रैप इकलौता इंटरप्ट है जिसको जो है डिसेबल नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते, इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। बाकी ये जो है उसके अलावा ये आपके मास्क केबल हैं और ये नॉन मास्क केबल है ट्रैप। ओके, अब देखिए इसमें वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट भी है। तो देखिए वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब होता है कि वो इंटरप्ट जिनका मेमोरी में लोकेशन में कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो इसमें देखिए प्रथम चार ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या है कि अर्थात ये स्वतः ही किसी मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर में ही उपलब्ध रहता है। इन इंटरप्ट की कॉल लोकेशन निम्न प्रकार है। अब देखिए इसकी कॉल लोकेशन देखते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में क्या है, चित्र में सारे इंटरप्ट दिए हुए हैं और ये जो इंटरप्ट हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे दिए हुए हैं। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या है कि अगर ये चारों इंटरप्ट एक साथ आ जाएं तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे पहले करेगा ट्रैप को, उसके बाद RST 7.5 को, RST 6.5 को, RST 5.5 को। तो प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि अगर अब मान लीजिए अगर ये तीन में तीनों एक साथ आ जाएं तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले करेगा RST 7.5 को। क्लियर, तो ये प्रायोरिटी प्रायोरिटी बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर क्या है इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है। ये इनकी प्रायोरिटी दी हुई है, ये इनकी वेक्टर लोकेशन है, मतलब जो मेमोरी मेमोरी में जो एड्रेस होता है वो एड्रेस है इनका और ये वेक्टर एड्रेस निकाला गया है। तो जो RST 7.5 है, देखिए इसमें RST 7.5, 6.5 और 5.5, ट्रैप को 4.5 भी बोलते हैं, ट्रैप को आप RST 4.5 भी बोलते हैं। यहाँ पर इनका वेक्टर एड्रेस निकाला गया है, ये इस तरह से निकाला गया है, 8 बिट से मल्टीप्लाई किया है इनको। ठीक है, आगे चलिए। ऑपरेशन के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर ट्रैप की प्राथमिकता सबसे अधिक होती है। यानी कि जो ट्रैप है, ट्रैप कैसा है, नॉन मास्केबल। ट्रैप क्या है, ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। कैसा है, नॉन मास्केबल। ओके, ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, बाकी ये सारे के सारे मास्केबल इंटरप्ट है। ओके, तो ऑपरेशन के आधार पर ट्रैप की प्राथमिकता सबसे अधिक है, उसके पश्चात RST 7.5, 6.5, 5.5 की प्राथमिकता क्रमशः घटती जाती है तथा INTR की प्राथमिकता सबसे कम है। अब इसमें देखिए इसी प्रश्न में हमारे कई प्रश्न तैयार हो गए। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्डवेयर इंटरप्ट बताओ, तब भी आप यही लिख देंगे क्वेश्चन, और उसमें वो ये कहे कि वेक्टर्ड इंटरप्ट बताओ, वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, तो इसमें वो भी क्वेश्चन तैयार है। तो देखिए इसमें ये सारे के सारे आपके क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट, क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट। ओके, और सिर्फ एक INTR क्या है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, क्योंकि इसकी कोई कॉल लोकेशन का एड्रेस नहीं है, तो INTR नॉन वेक्टर्ड है। क्लियर, और बाकी ये सारे के सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट लिखिए, तब भी आप इन दोनों को कैटेगराइज करके लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसमें INTR की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। यानी कि अगर ये सारे के सारे एक साथ आ जाए तो सबसे पहले वो ट्रैप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 7.75 को लेगा, 6.5 को लेगा, RST 5.5 को लेगा, उसके बाद INTR को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और सबसे अधिक किसकी है, ट्रैप की। और ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। यानी कि अगर ये आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, माइक्रो प्रोसेसर इसको डिसेबल या डिले नहीं कर सकता। बाकी और आएंगे, ये आ जाएं, है ना, बाकी ये सारे आ जाएं और ये आ जाए, तो इनको माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डिसेबल या डिले कर सकता है कुछ समय के लिए, अपना काम कंप्लीट होने तक इनको डिसेबल या डिले कर सकता है।
तो इस तरह से इसमें दो क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते ही आते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए, इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए इंस्ट्रक्शन ई आई, ई आई का मतलब इनेबल इंटरप्ट, ई आई का मतलब इनेबल इंटरप्ट होता है। इंस्ट्रक्शन ई आई आवश्यकता अनुसार मुख्य प्रोग्राम में सम्मिलित की जाती है, ठीक है। इंटरप्ट 8085 के इंटरप्ट तथा उनके वेक्टर लोकेशन, तथा उनके वेक्टर लोकेशन प्रदर्शित किए गए हैं। इंस्ट्रक्शन ई आई देने पर इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाते हैं, जिसे इंटरप्ट इनेबल हो जाती है। तो देखिए, ई आई जो है, ई आई इंस्ट्रक्शन क्या है, वो इंटरप्ट इनेबल करने के लिए यूज होता है। उसी प्रकार जब इंटरप्ट को डिसेबल करना हो तो इंस्ट्रक्शन डी आई यूज होता है, डिसेबल इंटरप्ट। ओके, डिसेबल इंटरप्ट देने पर सभी इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं, क्लियर। इस इंस्ट्रक्शन द्वारा इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाते हैं, अर्थात ट्रैप इंटरप्ट के अतिरिक्त, देखिए इसमें खास बात, ट्रैप्ड ट्रैप इंटरप्ट के अतिरिक्त RST 7.5, RST 5, 6.5, 5.5 तथा INTR, क्लियर, INTR जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि ट्रैप फिर भी आपका डिसेबल नहीं होगा। ट्रैप डिसेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रैप जो है इमरजेंसी पर्पज से है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मान ले कोई रोबोटिक रोबोट है, वो कोई काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उसी समय कोई इंडस्ट्री में आग लग जाए और ट्रैप इंटरप्ट आएगा, तो रोबोट उसको डिले या डिसेबल नहीं कर सकता, उसको इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, जाकर के आग बुझाने में सहयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए ट्रैप को डिसेबल नहीं कर सकते या डिले नहीं कर सकते कुछ समय के लिए, क्लियर। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट की क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है ये। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और दोस्तों में भी शेयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।